हुंकाम एवरीवन, पिछले कल से मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन करने का कोशिश किया है मेरा हालचाल पूछने के लिए, मेरा तबीयत कैसा है। बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया है और आई हैव नॉट बीन एबल टू। मैं सबका फ़ोन उठा नहीं सक रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ और कल भी मैं हॉस्पिटल में था। मैं आप सबको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अपना प्यार मुझे दिखाया और आपने सबने मेरे लिए पूजा किया, प्रार्थना किया, प्रेयर्स भेजा। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल कि मुझे मालूम है कि कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे सम्मान देते हैं। बहुत लोग मिलने भी आए मुझसे, मैं सबसे मिल भी नहीं सका। मैं उसके लिए भी सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि कल कम लोग से मिलने के लिए और इसी के लिए मैं सबसे मिल भी नहीं सका। नेवरदलेस तभी भी मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि जो मैं हमेशा बोलता था कि पोस्ट पावर ये हमेशा नहीं रहता है, आपके लोग आपके संग रहते हैं। आज मैं कोई एमपी तो हूँ नहीं, कोई मंत्री तो हूँ नहीं, लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो इतने लोग मेरे पास आए, इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया, फ़ोन किया। इससे ये मालूम पड़ता है कि पोस्ट रहे या पावर रहे उसका कुछ मतलब नहीं है। जब तक आपके दीपरासा, जब तक आपके त्रिपुरा के लोग, जब तक आपके लोग आपके साथ हैं तो पोस्ट पावर का कुछ मतलब नहीं होता। आपके साथ पब्लिक का प्यार होना चाहिए, आपके साथ आम जनता का प्यार होना चाहिए। और आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया है, मुझे इससे एक चीज़ का महसूस होता है कि मैंने ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए कुछ तो बेह कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में अपने लिए नहीं आया, मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, पब्लिक लाइफ में कुछ अपने लिए लेने नहीं आया, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं कुछ कर सकता हूँ मैं अपने लोगों के लिए करूँगा। उसी से मुझे सुकून भी मिलेगा। आप लोग चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं आने वाले थोड़े दिन में मैं आकर मैं सुरमा भी आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग का दो प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया है, ये मेरा आज पूरा होल्टेड टेस्ट हो रहा है हार्ट में, लेकिन मैं आऊँगा। मैं अपने तिपरासा को, मैं अपने तिपरा मथा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आऊँगा। जो भी हालत हो मैं आऊँगा। और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, थनसा रखो। मैंने देखा है कि मुझे बहुत दुख लगता है कि जब लोग थनसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये थनसा बहुत मुश्किल से हमने सबको एक करने का कोशिश किया है। आप कोई भी हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, थानसा रहेगा तो हमको कुछ मिलेगा, थानसा नहीं रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो थानसा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा शक्ति है जिसमें हम सब अगर एक हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कुछ ना कुछ तो देगा। अगर हम अलग अलग रकम से अलग अलग होकर बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यही मैं आपको प्रार्थना करके बोलना चाहता हूँ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अभी तक मुबागरा इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि वो अपने लोगों को भूलकर हॉस्पिटल पर रहे। मैं थोड़े दिन के बाद ट्रीटमेंट ठीक से कराऊंगा, लेकिन उससे पहले
मैं आप सबको, अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आप सबको, मेरे मोथा के लीडर्स को, सबको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपना पोस्ट के बारे मत सोचो, अपना पोजीशन के बारे मत सोचो, 7 महीना टिपरा सा के बारे सोचो। अगर टिपरा सा रहेगा तो ही आप रहेगा। आप अकेला अपने आप को लीडर बनाकर पोस्ट के बारे सोचा तो कुछ नहीं होगा। 7 महीना दोफा के बारे सोचो, और 7 महीने के बाद अगर हम सब का थानसा रहा तो हम पूरे टिपरा सा, सबको जो मोथा के साथ नहीं है उसको भी कुछ मिल सकता है। दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट। खुद के बारे कम, दोफा के बारे ज्यादा सोचो, स्वार्थी मत हो। मैं फिर से सुरमा में जो लोग थे उनको बोलना चाहता हूं, मैं आऊंगा, मुझे कोई पावर नहीं रुक सकता अपने वॉरियर से मिलने के लिए। मैं आऊंगा और मैं आपसे एक बार मिलके वापस जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। तब तक शांति रखो, वायलेंस मत करो। मुझे बहुत दुख लगा जब मैंने देखा त्रिपुरा में क्या हो रहा है। वायलेंस मत करो, एक संग प्यार से रहो। अगर आप मुझसे सचमुच मेरा मीनिंग, मेरा थानसा का मतलब समझते हो तो आप कोई भी पार्टी में हो एक दूसरे से झगड़ा मत करो। ये मेरा मैसेज है। आई प्रे टू ऑल माई पीपल, गॉड ब्लेस यू। आपने इतना फ़ोन किया, मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत लोग मिलने भी आए, बहुत लोग से मिल भी नहीं सके, बट आई एम थैंकफुल एंड आई विश एवरी वन द बेस्ट एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव। आई एम वेरी हैप्पी दैट टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स केम टू मीट मी। आई एम वेरी हैप्पी दैट जितेंद्र बाबू, जितेंद्र चौधरी केम टू मीट मी। आई एम वेरी हैप्पी दैट डिप्टी सीएम केम टू मीट मी। आई एम वेरी हैप्पी मेनी लीडर्स फ्रॉम मोथा केम टू मीट मी, एमडीसीज केम टू मीट मी। बहुत लोग से मैं मिल भी नहीं पाया, मैं उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ और जल्द से जल्द मैं सबसे मिलूँगा। बेलाई बेलाई नो हम बाय टिपरा सा, प्लीज स्टे यूनाइटेड। टिपरा सा प्लीज स्टे टुगेदर। एंड टिपरा सा, इफ यू रियली लव यू बुबाग्रा, बेलाई बेलाई नो हम बाय कुलुंखा।